नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम 2023 की, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा मतलब कितना, यानी कि हर महीने आपको 18,000 यहाँ पे आपको पेंशन मिलने वाला है। पेंशन बोलो, ब्याज बोलो या फिर सैलरी, हर महीने 18,000 फिक्स इनकम। काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 18,000 तक आपको मंथली बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम ऐसी कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें कि जिसकी वजह से हमें मंथली फिक्स इनकम हो, यानी कि हमें पेंशन टाइप मिले। जो सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं उनको तो पेंशन मिलती है, लेकिन जो जनरली रेगुलर लोग होते हैं उनको पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो इस टाइप की पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उसके अंदर आप पैसा डालोगे तो हर महीने आपको 18,000 तक पेंशन मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप 18,000 तक पेंशन ले सकते हो। वो क्रेडिट आपके अकाउंट में सीधा हो जाएगा हर महीने 18,000। और प्लस इसमें मेन बेनिफिट क्या है, जनरली अभी मार्केट में कोई भी स्कीम है, आप कहीं पे भी पैसा लगाओ तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर रहता है। मानो कि कोई म्यूचुअल फंड में लगा दिया या फिर शेयर बाज़ार में लगाया या फिर ऑलमोस्ट प्राइवेट वगैरह बैंक में भी पैसा लगाते, उसमें 5 लाख का बीमा होता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं रहती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस का ये स्कीम है, उसके अंदर आपको 100% सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि आपका पैसे का कोई भी कुछ भी होने वाला नहीं, आप 100% सिक्योर रहोगे। एक बढ़िया बात है। तो चलो देखते हैं क्या कुछ खास है इस स्कीम के अंदर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अगर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते ज़रूर हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो क्या आपको इस टाइप की वीडियो मिलती रहे। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस स्कीम का नाम है, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम, MIS स्कीम जिसको हम बोलते हैं। वो 2023 में क्या क्या इसके अंदर नए नियम है वो पहले हम देख लेते हैं। 2023 के नए बजट में सरकार ने इसके अंदर पहले तो बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया है। इसके अंदर की जो लिमिट थी वो पहले एक व्यक्ति खाली 4.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन अब नए नियम के हिसाब से इसमें 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है। एक बढ़िया पॉइंट हो गया कि इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ गई है। और दूसरा पॉइंट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। पहले हम बात करें तो ये अकाउंट भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस का जो MIS स्कीम है वो कोई भी खुलवा सकता है। ये अकाउंट सिंगल और जॉइंट भी अगर आप खुलवाना चाहते हो तो भी खुलवा सकते हो। अगर 3 आदमी साथ में रह के अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो भी आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। फिर अगर माइनर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 10 साल से नीचे का, तो उसका अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसका फादर या मदर मतलब गार्डियन, उसके साथ अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अगर माइनर 10 साल के ऊपर है, मानो कि आपका बच्चा है 12-13 साल का है, तो खुद अकेला इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन कर सकता है, मतलब उसके अकेले के नाम पर भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये तो बात हो गई अकाउंट ओपन की। अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर डिपॉजिट की। दोस्तों इसके अंदर डिपॉजिट आपको मिनिमम 1,000 रुपये से स्टार्ट होगा ये स्कीम में डिपॉजिट, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1,000, यानी कि 1,000 का आपने अकाउंट खोला तो अगर आपको ज़्यादा रखना है तो 2,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी डिपॉजिट हो गई, मैक्सिमम लिमिट पहले जो 4.5 लाख थी अभी ये बढ़ा के 9 लाख कर दिया है गवर्नमेंट ने, यानी कि अभी एक बंदा इसके अंदर 9 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है। फिर बात करते हैं जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हो, मानो कि आप हस्बैंड वाइफ है या फिर मदर फादर के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो, तो इसकी जो लिमिट है वो लिमिट होगी 15 लाख, यानी कि एक जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर। ये पॉइंट हो गया एक। अभी दूसरी बात करते हैं, अगर माइनर के साथ अकाउंट अगर आप ओपन कराओगे तो उसकी लिमिट भी सेपरेट काउंट होगी, यानी कि वो अकाउंट एक सेपरेट गिना जाएगा और उसकी लिमिट अलग से आपको मिल जाएगी। ये हो गई डिपॉजिट की बात। अभी दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट, ये महत्वपूर्ण है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1, जो जनरली बहुत सारे डिपॉजिट में मिलता है। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, हर महीने आपको पेंशन यानी कि इंटरेस्ट आपके खाते में आएगा, वो मेन बेनिफिट है। फिर दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर जो इंटरेस्ट होगा वो मंथली क्रेडिट बेसिस है, यानी कि हर महीने आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि आप देखें तो ये मंथली इनकम प्लान है इसलिए मंथली क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट। फिर बात करते हैं एक्सेस अमाउंट रिफंडेबल, मानो कि अगर आपने ज़्यादा पैसा डाल दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ऑटो क्रेडिट इन सेविंग अकाउंट,
हो जाएगा, यानी कि हर महीने आप पैसा जो इंटरेस्ट का पेंशन का होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाएगा, ताकि आप आराम से उसको निकाल सकते हो। ये तो हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। अभी दोस्तों बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। जनरली सभी स्कीम के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उसको क्लोज कैसे करवाना है वो तो जनरली सबको पता नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप एक साल के पहले क्लोज करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्लोज होगा नहीं। एक साल तो मिनिमम आपको चलाना ही है। इसका टेनर है 5 साल का, लेकिन आपको एक साल तो मिनिमम तो चलाना ही है। यहाँ पे 1 से 3 साल की बात करें तो यहाँ पे आपको पैसा जो आपने लगाया है उसमें 2% पेनल्टी के हिसाब से काटा जाएगा और आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अगर 3 से 5 साल बीच में आप क्लोज करवाते हो, मानो कि स्कीम आपने चलाई 3.5 साल, फिर आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत हो गई और आपको क्लोज करवाना है, तो 1% प्रिंसिपल जो होगा उसका काटा जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है तो 5,000 रुपया काट के आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि आप 3 से 5 साल के बीच भी क्लोज करवा सकते हो। दोस्तों क्लोज करवाने की प्रोसीजर क्या है? क्लोज करवाने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक फॉर्म भरना है और अपनी पासबुक जमा करवा देनी है, अकाउंट क्लोज करके पैसा सीधा आपके खाते में आ जाएगा। ये तो हो गई अकाउंट क्लोजिंग की बात। अभी बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी के बारे में। ये 5 साल का अकाउंट है, 5 साल बाद ये मैच्योर हो जाएगा, फिर आपको पासबुक वगैरह जमा कर देनी है तो वो पैसा सीधा आपके खाते में जमा हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगर बीच में कोई डेथ वगैरह हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा। ये तो दोस्तों हो गई बात अकाउंट क्लोजिंग वगैरह की। अभी बात करते हैं मेन टॉपिक इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसमें क्या है, 5 साल तक आपको पैसा रखना है। अगर आप मानो के 1 लाख रुपये आपने रखा तो हर महीने आपको मिलेगा 590 रुपये, यानी कि 600 रुपया, और 5 साल बाद आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है वो है 35,500 रुपया। 5 साल बाद आपको इतना मिलेगा। अभी दोस्तों हम 5 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट यानी कि हर मंथ मिलने वाला है वो 2,958, यानी कि 3,000 रुपया हर मंथ आपको मिलने वाला है, और 5 साल बाद आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो है 1,77,500। ये टोटल इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है इंडिविजुअल की? 9 लाख। 9 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 5,325, और मैच्योरिटी के टाइम के यानी कि 5 साल बाद 3,19,500 रुपया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो हो गई 9 लाख। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया आपने तो अभी हम देखते हैं 18,000 कैसे बनेगा। अगर जॉइंट अकाउंट आपने ओपन करवाया तो 15 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके सामने इंटरेस्ट मिलेगा 8,875, यानी कि 9,000 समथिंग आपको इंटरेस्ट मिला। अभी क्या करना है, आपके घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 2 जॉइंट अकाउंट खुलवा लेने हैं, यानी कि 15-15 लाख दोनों में डाल देने हैं, टोटल हो जाएगा 30 लाख रुपया, और 30 लाख में इंटरेस्ट आपको मिलेगा 8,875 प्लस 8,875, यानी कि दोनों मिला के 17,750। ये हो गई 18,000 मंथली इनकम प्लान। मंथली आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। देखा दोस्तों कितना अच्छा प्लान है। और MIS मेरे हिसाब से तो MIS काफ़ी अच्छा प्लान है, क्योंकि एकदम सेफ सिक्योर एकदम परफेक्ट प्लान है। तो आज ही आप पोस्ट ऑफिस विजिट कीजिए और अपना MIS अकाउंट ओपन करवा लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।